नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का ड्रेसिंग टेबल कवर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। और ये डिज़ाइन बनाने में आसान है, आप इसको बना सकते हो। और इसकी हमारे पास दो रो आएंगी और उसके बाद ये फिर से वही रिपीट होता चला जाएगा। और स्टार्टिंग में और लास्ट में मैंने 4-4 डबल क्रोशेट बनाए हुए हैं। तो अगर आप इसको बड़ा बना रहे हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा डबल क्रोशेट बनाइएगा। और जो हमने यहाँ पे एक लाइन डबल क्रोशेट की बनाई हुई है, यहाँ पे भी आप ज़्यादा लाइन्स बना सकते हो डबल क्रोशेट की, और बीच में आप ये डिज़ाइन सेट कर सकते हो। तो ये बनाने में आसान है। चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई है डबल क्रोशेट की, और इसके ऊपर हम हमारा डिज़ाइन सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, और स्टार्टिंग में और लास्ट में मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाए हुए हैं। तो आपने उसी प्रकार से डबल क्रोशेट बना लेने हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा भी बना सकते हो डबल क्रोशेट की, जो हम यहाँ पे पट्टी बना रहे हैं वो आप बड़ी भी बना सकते हो। और यहाँ से हम हमारा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक चेन लेना है, बल लेना है, और 1, 2 और 3 हम हाफ फ्रंट में और बैक में हमारा जो हाफ डिज़ाइन है वो सेट करेंगे, और बीच में हमारा फुल डिज़ाइन आएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 हमने यहाँ पे चेन छोड़ देना है, और जो हमारे पास 4th चेन है वहाँ पे जाके हमने डबल क्रोशेट करना है इस प्रकार से। बीच में हम चेन लेंगे एक, और यहीं पर 2 बार हम और डबल क्रोशेट करेंगे। तो हमने एक ही चेन में 4 डबल क्रोशेट की बेसिकली एक पत्ती बनानी है, जिसमें हमने बीच में एक लूप बनाना है। उसके लिए हम एक चेन लेंगे, और स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट जो है हमारे पास देखिए वो हमने छोड़ दिए हैं, और 4th में हमने यहाँ पे बनाया है। और अभी हम यहाँ पे हमारा पूरा डिज़ाइन सेट करेंगे। तो उसके लिए हमने जब हम पत्ती बनाएंगे तो उसके साथ में हमने एक चेन लेना है, बल लेना है, और 1, 2, 3, 4 और 5 हमने यहाँ पे 5 जो हमारे पास चेन है उनको छोड़ देना है। 1, 2, 3, 4 और 5 छोड़ेंगे, जो हमारी 6th चेन है वहां पे जाके हमने डबल क्रोशेट करना है इस प्रकार से। और फिर से वही पत्ती हमने बनानी है, और बीच में हम एक चेन लेंगे, और यहीं पर फिर से हम 2 बार और डबल क्रोशेट करेंगे इस प्रकार से। तो अगर आप इसे बड़ा बना रहे हो तो आपने जो बीच में हमने यहाँ पे 5 चेन स्किप किए हैं, तो आपने 5 ही चेन स्किप करना है, और फ्रंट में और बैक में हमने 3-3 करना है, क्योंकि वहाँ पे हम हमारा हाफ पैटर्न सेट कर रहे हैं। अभी हम फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे इस प्रकार से, बल लेंगे, 1, 2 और 3 लास्ट में आ गए हैं, 1, 2 और 3 हम छोड़ देंगे, और जो 4th है वहां पे जाके हमने डबल क्रोशेट करना है, और लास्ट तक हमारे पास हमने यहाँ तक डबल क्रोशेट बना लेना है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे हमारी सेकंड रो बनाऊंगी। तो मैंने जो मेरे जहाँ पे 4 डबल क्रोशेट थे उनके ऊपर मैंने 4 बार डबल क्रोशेट बना लिए हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 2 चेन लेना है इस प्रकार से, और जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चेन लिया था वहां पे जाके हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। जो हमने बीच में चेन लिया है यहाँ पे, वो जब हम सेकंड रो बनाएंगे तो वहां पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पे फिर से हम 2 चेन लेंगे, 2 इधर लेंगे और 2 चेन इधर लेंगे, बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, बल लेंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे पत्ती बनी हुई है उसके ऊपर हमने फिर से वैसे ही पत्ती बनानी है। 2 बार हमने डबल क्रोशेट करना है, 1 हमने चेन लेना है, और यहीं पर हमने फिर से 2 बार और डबल क्रोशेट बनाना है। और इसके बाद हम फिर से देखिए 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और जो हमारे पास यहाँ पे बीच में हमारे पास चेन है वहां पे जाके हमने सिंगल क्रोशिया करना है। और यहाँ से फिर से हम 2 चेन लेंगे, बल लेंगे, और जो हमारे पास लूप बना हुआ है पत्ती के बीच में वहां पे जाके हमने 1 बार और पत्ती बनानी है। और हमने लास्ट में फिर से देखिए हमने 2 चेन लेना है यहाँ पे, और जो हमने यहाँ पे एक चेन लिया था लास्ट में वहां पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 बार, और 2 चेन लेंगे यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे हमने जो 4 हमने लास्ट में डबल क्रोशेट बनाए हैं वहां पे हम 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशेट।
इस प्रकार से। और इसके बाद जो हमारी फर्स्ट रो है वो यहाँ पे फिर से रिपीट होगी और जो सेकंड है वो उसके आगे। तो हमारी बेसिकली दो ही रो हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट रो है वो वहां यहाँ पे रिपीट करूंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने चार के ऊपर चार बार बनाया है। यहाँ पे मैं एक चेन लूंगी, बल लूंगी, और जो हमारे पास यहाँ पे बीच में लूप बने हुए हैं पूरे डिजाइन में हमारी पत्ती के ऊपर पत्ती उसी प्रकार से बनती हुई चली जाएगी। जो हमारा लूप है वहां पे हमने फिर से यही पत्ती बनानी है। दो बार हमने डबल क्रोशेट करना है और बीच में एक चेन लेना है और फिर से यहीं पर दो बार और डबल क्रोशेट करना है। और इसके आगे फिर से हम एक चेन लेंगे इस प्रकार से, और फिर से हमारे पास जो पत्ती है वहां पे हम फिर से पत्ती बनाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारा डिजाइन रिपीट होता चला जाएगा। बेसिकली हमारे पास इसकी टू रो हैं। तो देखिए ये मेरी रो इस तरह से आई है, और इसके बाद मेरी सेकंड रो आएगी जो बीच में हमारी चेन है वहां पे हमारा सिंगल क्रोशे आएगा, और उसी प्रकार से हमारी रो रिपीट होती चली जाएंगी। तो देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।